डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जिस तरीके से सूरत हाल तब्दील हो रही है, वक्तन फवक्तन नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। हम देखा कि पहले जिम्नी इंतखाबात में एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री नजर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिहाज से, तो फिर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी मुलतवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी खबर आएगी, वो खबर आई। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि वो बल्दियाती इंतखाबात के जो अमल है उसको फिलहाल मुलतवी करने का मुलतवी कर रहे हैं, और जिसके जवाब में सिंध के वजीर इत्तला जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि वो आज भी बल्दियाती इंतखाबात कराने के हक में है और वो किसी भी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से पीछे नहीं हट रहे। बस उनका एक मुख्तसर सा मुतालबा है कि बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए उन्हें एक मखसूस तादाद चाहिए पुलिस फोर्स की, जो कि बल्दियाती इंतखाबात को पूरी तरीके से कैरी आउट कराने में इस अमल को पूरी तौर पे मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान के हवाले से ड्रामाई सूरत हाल भी तो बनती नजर आ रही है। जो बाइडन साहब का जो बयान रहा प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान को खतरनाक नेशन कहा, जिसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बयान की तरदीद की, नफी की, और इस हवाले से क्या कुछ कहा और क्यों हुआ। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जनाब चौधरी नातिक उबैद साहब, ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट हैं, और जरा जानते हैं कि जो अमेरिका की तरफ से एकदम स्टेटमेंट आया, जो बाइडन प्रेसिडेंट है अमेरिका के, अगर वो स्टेटमेंट देते हैं उसका कोई वेटेज होता है, कोई उसके पीछे सोच हो सकती है, वो क्यों दिया गया, फिर अगर उसको जिस तरीके से वापस लिया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से उस बयान को, तो उसके पीछे की वजूहात क्या थी। नातिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुनीर, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। नातिक साहब, जो बाइडन प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और प्रेसिडेंट पहले तो किसी भी मुल्क का हो उसकी किसी भी लफ्ज की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जब हम कहते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन, तो फिर वहां पर सूरत हाल और ज्यादा तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस नेशन, खतरनाक मुल्क कहा पाकिस्तान को। क्या जरूरत पड़ी थी इस बयान को देने की, व्हाट डू यू थिंक इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? मुनीर देखें, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि आज उसकी नफी भी आ गई, उनका स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको नफी करता है उस स्टेटमेंट की, और कहता है कि जी पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री फॉर, और न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से भी उन्होंने सेफ कंट्री करा दिया। जो बाइडन साहब सिंस हिज टेकिंग ओवर द सीट, जो बाइडन साहब कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो रहे हैं, पहले उन्होंने चाइना के लिए भी बयान दिया, फिर ही टुक इट बैक, ताइवान के हवाले से उन्होंने बयान दिया, देन ही टुक इट बैक, रशिया को शेमलेस कंट्री करार दिया, देन ही टुक इट बैक, और इसी तरीके से पाकिस्तान के हवाले से भी जो इनका हालिया जो बयान है जिसके अंदर वो पाकिस्तान को एक डेंजरस मुल्क करार देते हैं और फिर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो अनसेफ जो है वो करार देते हैं, और फिर उसका वेरी नेक्स्ट डे दूसरे दिन तीसरे दिन जो है उसको वापस ले लेना, तो इसकी अफादियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी कोई ऐसा अहमियत नहीं। देखिए एक चीज़ क्लियर करते हैं ना, जो बाइडन से पहले जो अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट थे वो जब इस तरह के काम करते थे तो लोग कहते थे ठीक है डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो सुबह कुछ कह देते हैं शाम में कुछ कह देते हैं। जो बाइडन कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिसमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाता है एक सोबरनेस होगी, एक सिंसेरिटी होगी, वो जो बात कहेंगे वो बड़ी नपीतुली होगी, इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से आ जाना, क्या स्पेसिफिक पाकिस्तान ओरिएंटेड स्टेटमेंट किसी को खुश करने की तरफ निशाना था, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर असर होना था? कुछ तो वजह होगी कि आउट ऑफ द ब्लू अगर जो बाइडन ये बयान अपनी तरफ से दे रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। क्या वो मीडिया की हद तक इररेलेवेंट हो रहे थे, क्या वो कुछ हद तक कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करना चाहते थे ताकि वो फिर से रेलेवेंट नजर आए? देखिए मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, बात वही है कि हमें पहले तो उसके सियाक व सबाक देखने हैं कि उन्होंने किस प्रिटेक्स में, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये स्टेटमेंट दिया, कहाँ पे बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे, और ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया। जो बाइडन की हिस्ट्री रही है जी, जब पॉलिटिकल उनकी जो हिस्ट्री इसी तरीके से रोलर कोस्टर वाली हिस्ट्री है, और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि वंस ही गिव अ स्टेटमेंट एंड देन ही टेक इट बैक, अभी भी मैं इसको ये समझता हूँ कि ये इनका खुश करना इन अ सेंस के अपनी पॉपुलैरिटी जिस के लिए जो है इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, और वो उनको वापस लेना पड़ गया, उनको
जो है सेंस किया, अमेरिका इस वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आफ्टर द विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के जो मामलात खराब रहे, रिलेशनशिप खराब रहा, उसके बाद अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि हमारे साथ रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो जाए। और उसका हमने अभी हालिया देखा भी कि जनरल बाजवा जो हैं वो अमेरिका गए, अमेरिका ने उनको, पेंटागन ने उनको सबसे बड़ा जो है वो मिलिट्री अवार्ड भी जो है से नवाजा। इसका मतलब है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान से सेटिस्फाइड है, पाकिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। तो इतना बड़ा अवार्ड दिया गया, उससे पहले यूके ने जो है वो क्वीन के बिहाफ पे बुला के मिलिट्री परेड में जो है जनरल बाजवा से जो है वो चीफ गेस्ट उनको बुलाया गया। तो इसका कहने का मकसद ये है, मेरा ये जो सिनेरियो कहने का मकसद ये है कि रिलेशनशिप सही सिमत में जा रहे हैं और आपकी कॉन्फिडेंस। इज इट लाइक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो सोच रही है, जो बाइडेन शायद उसके बिल्कुल नफी कर रहे हैं या ऑपोजिट जा रहे हैं? देखें और इधर यू कैन से के शायद वो इस बारे से वाकिफ ही नहीं कि इस वक्त दरअसल इंटरनली क्या हो रहा है। देखें अभी इनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी हो सकता है ये, ठीक है, ये अपनी पॉपुलैरिटी को रिवाइव करने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। हम कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो चुभने वाला होता है, वो चुभने वाला स्टेटमेंट आपको एकदम से हाईलाइट जो है वो कर देता है, आपको छह सुर्खियों में ले आता है। तो मैं इसको इसी तरह का एक स्टेटमेंट समझता हूँ, और फिर उसके बाद उनको फौरन से अपना स्टेटमेंट जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू वापस लेना पड़ गया। तो अगेन वो स्टेटमेंट वो कोट नहीं किया जा रहा ना। आज भी हम इंडियन मीडिया की बात करें तो वो बार बार जो बाइडेन के उस इंटरव्यू के क्लिप को रन कर रहा है, आज भी उस चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अगर स्टेटमेंट दिया है तो गालिबन एक अलार्मिंग है, और वो इस बात को लिंक कर रहे हैं कि पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स उस तरीके से बेहतर नजर नहीं आते। तो आज जो पाकिस्तान के ऑपोजिट जो मीडिया है या वो लॉबीज जो एंटी पाकिस्तान काम करती हुई दिखाई देती हैं, वो तो उस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट को ओन ही नहीं कर रही ना, वो तो कह रही है जो पहले तीर निकल गया वही निशान है। अगर हम एंटी पाकिस्तान मीडिया की तरफ जाएंगे या एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली वो उसी चीज को कैश करेंगे जो चीज कैश होने वाली होगी। अब स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन की जो ब्यूरोक्रेसी है या उसका जो सिस्टम है उसमें यही होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट रिटर्न या वापस लिया जाता है तो वो स्टेट डिपार्टमेंट ही उसको जो है वो वेट करता है या अनवेट करता है। तो एज पर देयर प्रोटोकॉल, एज पर देयर प्रोसीजर, स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको जो है निगेट कर दिया। तो उन्होंने बाय लॉज अपने हिसाब से, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने पूरा काम किया। जो बाइडेन के हिसाब के लिहाज से तो कहा जा सकता है ना कि उनकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन सेम पेज नहीं है। एग्जैक्टली, मैं आई वाज गोइंग विद इट। देखें कोई जो बाइडेन का बयान देना और पास्ट जो कुछ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो रोमांस चल रहा है उसका देखते हुए में कोई लिंक नहीं बनता। कहाँ के एस्टैब्लिशमेंट उनको बुला रही है, अमेरिकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको बुला रही है जनरल बाजवा को और बुला के अवार्ड्स दे रही है, टॉक्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के लिए यूएस में ही मौजूद थे, एंड वी नो कि अगर आईएमएफ के साथ हमारे जो मामलात है वो भी डाइसी से नजर आ रहे हैं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस तरह का बयान देना, ये तो सूरत हाल को मजीद खराब। देखिए डाइसी अभी जो है वो टॉक स्टार्ट हुई है अभी, ठीक है ना, अमेरिका में जो हो रही है और वो नजर क्या आ रहा है, होगा क्या, ये एक अलग प्रोग्राम है, ये आप अलग से कीजिएगा। बट अभी उस टॉक की जो है वो बात चल रही है, मीडिया को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, बाद में भी क्या स्टेटमेंट आएगी, इसके लिए आप इसको एक से दो दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना जी, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं। नाथिक साहब, हम ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, प्रोग्राम में जरा एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ में जो जमीनी इंतखाबात हुए और जो बल्दियाती इंतखाबात का अमल रोक दिया गया, इस हवाले से क्या हुआ और ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है, इसके पीछे पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।